कहाँ जाएंगे? विवेक हमारे साथ मन्नत से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कहेंगे जैसे ही ये जो बेल की सुनवाई बाहर आई, किस तरीके का माहौल जो है मन्नत पे कल नजर आया था और आज क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, काफ़ी राहत भरी बात है शाहरुख खान के परिवार के लिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी हाल में जो हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर है वो सबसे पहले NDPS कोर्ट पहुंचे, वहां से रिलीज ऑर्डर निकली और किसी तरह से समय से मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे। इस समय हम मुंबई के बैंड्रा बस स्टैंड पे हैं, मन्नत के बाहर खड़े हैं, और जिस तरीके से जैसे जैसे समय यहाँ पर निकलते जा रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो यहाँ पर बाहर आते जा रहे हैं, मुंबई पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, मुंबई पुलिस की जो वैन है और जो मुंबई पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और कोशिश की जा रही है कि जैसे ही आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर निकलें तो भीड़ ज़्यादा ना हो, उसके कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल ही खबर आई थी कि जैसे ही आर्यन खान को हाईकोर्ट से बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ठीक मन्नत के बाहर कुछ जो उनके फैंस थे वो यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने यहाँ पर आतिशबाजी की थी, फिर पुलिस को आके सबको हटाना पड़ा था। भीड़ लगने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आर्यन खान यहाँ पहुँचेंगे हो सकता है कि शाहरुख खान और गौरी खान पूरे परिवार उनके साथ रहें, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस की जो टीम है वो अभी से यहाँ पर पहुँची हुई है, और कोशिश की जाएगी कि जो लोग हैं फैंस हैं वो यहाँ पर पहुँचे नहीं। लेकिन एक अपडेट इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि माना जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि आर्यन खान को लेने के लिए गौरी खान और शाहरुख खान मुंबई के आर्थर रोड जेल जा सकते हैं, सिर्फ वो अपनी लीगल टीम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, बेल ऑर्डर कॉपी करने के बाद NDPS कोर्ट में जाएगी, उसके बाद शाहरुख खान या गौरी खान दोनों लोग मन्नत से निकलकर मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचेंगे, और हो सकता है कि जैसे ही आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर निकलें गौरी खान और शाहरुख खान उनको रिसीव करेंगे। विवेक, हम आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि 3 दिनों तक लगातार जो है बेल हियरिंग चली है, जिसके बाद जो है शाहरुख खान और गौरी खान को बड़ी राहत मिली, क्योंकि उनके बेटे आर्यन खान को हाई कोर्ट ने जो है बेल दे दी है। साथ ही साथ जैसे ही ये जो खबर बाहर आई, ये जो पूरा केस जो है लड़ने के बाद जो शाहरुख खान की पूरी लीगल टीम है वो मन्नत पहुंची, जिसके बाद यहाँ पर जो है खुशियों का माहौल था। शाहरुख खान की उनके लीगल टीम के साथ एक तस्वीर जो है वो बाहर आई, जिसमें सारे लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। शाहरुख खान लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे जो आर्यन खान है उन्हें जल्द से जल्द जो है बेल मिल जाए, क्योंकि लंबे समय से उनके बेटे आर्यन खान उनसे दूर थे, जिसके वजह से वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो अपने बेटे को जो है रिहा कर पाए, क्योंकि अगर कल उन्हें बेल नहीं मिलती तो उन्हें लंबे वक्त तक जो है अपने बेटे से दूर रहना पड़ता और उनके बेटे को जो है सलाखों के पीछे और कई सारे दिन जो है गुजारने पड़ते, जिसके चलते जैसे ही जो लीगल दिवाकर हमारे साथ लगातार जो है वो जुड़े हुए। दिवाकर, आप क्या कहेंगे, जो तस्वीर शाहरुख खान की बाहर आई थी जिसमें सारे लोग काफी खुश नजर आए थे, शाहरुख खान के मन्नत के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर एक खुशी का मौका तो जरूर था, क्योंकि जिस तरह से पहले लोअर कोर्ट में कोशिश की गई थी बेल के लिए, लोअर कोर्ट ने सुनने से इनकार किया था, उसके बाद जो टीम है वो सेशन कोर्ट गई थी, सेशन कोर्ट में तमाम पक्षों को जो है सुना था इस पूरे मामले में, लेकिन वहां से उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी, सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद जो उनकी लीगल टीम है बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचती है, और बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचने के साथ ही करीब 3 दिनों तक सुनवाई होती है, और 3 दिनों की सुनवाई के बाद ये मौका आता है जब बॉम्बे हाईकोर्ट एक ऐसा मोमेंट आता है जब कहता है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और साथ ही साथ पुनमुन ढमेचा को बेल दी जाती है, बेल अलाउ की जाती है। मैं श्रेया जहां मौजूद हूं, ये मुंबई की भायखला महिला जेल है, जहां पर मुनमुन ढमेचा जो क्रूज ड्रग्स मामले के एक आरोपी हैं वो इसी जेल में बंद हैं पिछले 22 दिनों से, और आज उनकी भी रिहाई हो सकती है, क्योंकि उनको भी बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। उम्मीद इंतजार इस बात का है कि उनकी लीगल टीम कब यहां पहुंचती है, कब पेपर जो है जेल में सबमिट किए जाते हैं, और फिर उस जो प्रक्रिया होती है रिहाई की वो शुरू होती है, ये देखना अहम है। अली कासिम खान जो कि मुनमुन ढमेचा के वकील हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम को पेपर जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पेपर उनके हाथ में आ जाए, NDPS कोर्ट जाएं, वहां से तमाम दस्तावेज लेकर वो जेल पहुंचे और उनके क्लाइंट की रिहाई हो सके। लेकिन ये रिहाई कई शर्तों पर हुई है, इसको ध्यान में रखना होगा आरोपियों को। फिर नवाब मलिक ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने आर्यन खान की बेल पर जो है कई सारी बातें कही, तो नवाब मलिक की इस पूरी बाइट को हम सुनते हैं। आर्यन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा था, कल वो कोर्ट में दस्तक दे रहा था,
कि जो जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की है उस जांच को सीबीआई या एनआईए के हवाले की जाए और महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी ओर से रखा कि समीर दाऊद वानखेड़े को एंटी करप्शन के चार्जेज में या उगाही के चार्जेज में पुलिस को गिरफ्तार करना होगा तो उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए आनंद भी हमारे साथ एनसीबी कैंप से जुड़े हुए हैं। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां क्या कुछ हलचल जो है आज दिखाई दे रही है। आज देखिए जो डीडीजी एनआर है चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। आज जो तथाकथित सैम डिसूजा नाम का शख्स है जिसका नाम हैनिक बाफना बताया जा रहा है वो यहां पर 1 बजे पहुंचेगा, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जाएंगे क्योंकि जो 25 करोड़ के डील के आरोप लगे थे जिसमें 2 अहम किरदार थे किरण गोसावी और जो शाहरुख खान की मैनेजर पूजा का नाम आया था उसमें बीच की कड़ी इसको बताया गया था। और इस शख्स जो है ये पालघर का रहने वाला है, इसने प्रभाकर के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है कि इसका नाम हैनिक बाफना है और इसके नाम और इसके फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया, इसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है जो डील के आरोप लगे थे। तो इसके बयान काफी महत्वपूर्ण होंगे और इस पूरे मामले में जो आशीष रंजन प्रसाद है इंस्पेक्टर जो पहले सीजर ऑफिसर थे जो पहले पंच थे प्रभाकर और किरण गोसावी के, उनके कल 4 पेज के स्टेटमेंट यहां पर रिकॉर्ड हुए हैं और उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उन्हें एक लैपटॉप दिया गया था और उस पर उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराए हैं। अब तक समीर वानखेड़े, इसके अलावा आशीष रंजन प्रसाद और एक समीर सालेकर जो सिपाही है, इन 3 लोगों के बयान जो है एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दर्ज कर लिए हैं। समीर वानखेड़े को अभी फिर से कोई सम्मन नहीं हुआ है। आज जो है वो यहाँ पर जो सैम डिसूजा है वो यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा और कुछ देर के बाद जो ज्ञानेश्वर सिंह है वो मीडिया से बात करेंगे और देखते हैं कि वो आगे किस तरह की चीजें मीडिया से शेयर करेंगे। अभी और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ होगी क्योंकि जानकारी मिल रही है कि आने वाले वक्त में जो पूजा डडलानी है जो शाहरुख खान की मैनेजर है वो भी यहाँ पर कैंप ऑफिस पहुंचेंगी और उनके स्टेटमेंट भी जो लेडी अफसर है महक जैन जो आई है जो सुप्रिंटेंडेंट है वो यहाँ पर दर्ज करेंगी एनसीबी की जो विजिलेंस टीम में जुड़ी हुई है।